अब छात्रों का भविष्य उज्जवल होगा। मगध यूनिवर्सिटी के सभी छात्रों का भविष्य मैं आपका स्वागत भी है। जैसा कि आज हम होली में घर नहीं गए हैं, क्योंकि घर जाना दिल्ली है तो बहुत दूर पड़ जाता है, तो जस्ट यहीं है। अब अपने डिपार्टमेंट के पास घूम रहे हैं और सब जितने भी लोग यहाँ पे हैं, अच्छा लगता है यहाँ का वातावरण, इसलिए मुझे यहाँ रहने के लिए पसंद है। और दूसरा बात यह है, क्योंकि आप सभी के लिए एक जो सब लोग कॉल करते हैं, क्योंकि कॉल से हम बहुत परेशान होते हैं, तो इसके लिए हम प्रॉपर 8-4 दिन छुट्टी है, 4 दिन हम मेहनत इतना कर दे रहे हैं, और आपको एक वीडियो सभी चीज़ का वीडियो बना बना के हम एक प्ले लिस्ट आप सबको लगेगा ज्वाइन बटन डाला हुआ है। जस्ट बहुत लोगों को लगेगा कि ये अपने लिए कर रहे हैं, तो हम एक चीज़ ऐसा बना रहे हैं कि हम चल भी जाएँ, बहुत लोग कॉल करते हैं तो कॉल पर मुझे उतना सबसेंट नहीं होता, मैं बात अब कर सकूं, क्योंकि मुझे भी स्टडी कुछ करना होता है। तो आज पूरा कैंपस ऐसे घूम रहे थे, तो घूमते घूमते किसी ने अभी एक चीज़ बोला, मतलब यहीं से लड़का पास कर गया था, तो बोला पंकज भैया तो ना अभी यहीं है, कहाँ यहीं है, तो वहाँ का वीडियो बनाइए जाके देखिए। आज होली का त्यौहार है, सभी लोग होली मना रहे हैं, हम होली मना रहे हैं, सब लोग मना रहे हैं अपने घर पर, बट वहाँ पे कर्मचारी, मगध यूनिवर्सिटी के कर्मचारी अभी भी हमारे एग्ज़ाम को लेकर, जो 17 तारीख से ग्रेजुएशन वाले का एग्ज़ाम है, हमारे कंट्रोलर साहब और लोग जो चुनिंदा अधिकारी हैं, एग्जामिनेशन के जो कर्मचारी हैं, सभी लोग अभी भी काम कर रहे हैं। आपको विश्वास नहीं तो अभी हम इधर 1-2 राउंड मार लेते हैं, उसके बाद वहाँ पर आपको हम जाके दिखाएंगे, क्योंकि शाम का टाइम घूमते ही हैं, तो एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक थोड़ा सा मेरा ब्लॉक से मेरा डिपार्टमेंट से सीधे पड़ता है, यहाँ से सीधे, तो वहाँ जैसे आपको दिखा होगा एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक वहाँ पे है, तो हम जाएंगे दिखाएंगे आपको, क्योंकि वहाँ कम जो भी कंट्रोलर साहब आए हैं बुला बुला के, जैसा कि सैटरडे को ही ये पता चला है कि जितना एडमिट कार्ड जो प्रिंट ग्रेजुएशन वालों का है, सभी का फॉर्म कंट्रोलर से मांगे थे और सभी चीज़ का फॉर्म को लेकर रख लिए हैं। रखने के बाद सभी का प्रिंट, एडमिट कार्ड प्रिंट होने का प्रोसेस चालू हो चुका है, क्योंकि अब दिन कम है, आज 10 दिन है, 10 दिन के अंदर से एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा, तो सभी का जल्दी जल्दी करवा रहे हैं, एडमिट कार्ड प्रिंट करवा रहे हैं, और कर्मचारियों से काम भी बुला के किया जा रहा है। होली तो समझ लीजिए इन सब के लिए एक, जिस हिसाब से मगध यूनिवर्सिटी की दशा दिशा थी, धीरे धीरे चेंज होने चल रहा है, तो यहाँ तो बुराई काम को सब दिखाते हैं, बाकी अच्छाई के काम को कोई नहीं दिखाते। देखिए कभी आ रहे हैं और जस्ट उनसे पूछते भी हैं, वो एक भाई भी आ रहे हैं, तो मिल जाए तो देखिए पूछते हैं उनसे कि चल रहे, देख सकते हैं गेट पर कुछ नाश्ता वास्ता कर लें, तो उसी रास्ते से जाते हुए हम आपको दिखाएंगे जो हमारे अधिकारी हैं, कंट्रोलर साहब और कर्मचारी गण जो भी हैं, सभी लोग काम कर रहे हैं, तो चलिए आपको दिखाते हैं। सब लोग आते हैं, वीडियो बनाते हैं, अच्छाई और बुराई सभी चीज़ में होती है, समझे। मगध यूनिवर्सिटी में बुराई तो बहुत है, बट ये अच्छाई भी हैं, तो उसको कोई नहीं दिखाता न्यूज़ वाला। मनीष कश्यप आएगा दिखाएगा, ये देखिए लेट सेशन हो गया, भाई अच्छाई दिखाओ ना, आज आके पत्रकार आज वीडियो बनाइए कि आप कर्मचारी लोग हैं, ऑफिसर लोग हैं, आज तो छुट्टी है, हॉलीडे है, 4 दिन आपका हॉलीडे है, तो घर में रहिए, हैं यहाँ पे काम क्यों कर रहे हैं, तो ये चीज़ तो कोई नहीं दिखाएगा, समझे। तो चलिए दिखाते हैं आपको, क्योंकि जस्ट अब आ ही गए थे, थोड़ा सा 10 कदम जाने का देर है, बस वॉकिंग कर रहे थे, और अभी भी कार्यालय खुला हुआ है, वहाँ पे देख सकते हैं गाड़ी वाड़ी, कंट्रोलर सर का गाड़ी और कर्मचारियों का गाड़ी सब लगा हुआ है, आप देख सकते हैं। सोचिए आज होली का त्यौहार है और इसमें भी हमारे कर्मचारी जो अधिकारी लोग लगे हुए हैं, एग्ज़ाम को लेकर सब चीज़ को यहाँ लेकर लगे हुए हैं काम। सोचिए अभी समय जो हो रहा है लगभग 6:30 बज रहे हैं और काम जारी है, तो मगध यूनिवर्सिटी की दशा और दिशा दोनों बदलने वाली है। जो सेशन लेट थे सभी सेशन को सुधार किया जाएगा धीरे धीरे। हम आ चुके हैं इस गोल गुंबज में जिसमें लोग आके बैठते हैं सभी लोग, तो यहीं से हम आपको दिखाना चाह रहे हैं कि जो छुट्टी भी रहता है, समझे, तब भी हम यहाँ आके बैठते हैं, आपको ये दिख रहा होगा ये फ्रंट, समझे, छुट्टी के टाइम भी हम बैठे होते हैं। बहुत लोग अभी आके यहाँ से जब प्रयास करते हैं कर्मचारी लोग, तो देखते हैं, कहते हैं कि यूनिवर्सिटी खुला हुआ है, देखिए अधिकारी लोग कर्मचारी लोग सभी लोग काम कर रहे हैं,
आप सामने देख सकते हैं, समझे। तो बहुत जल्दी 27 से जो एग्ज़ाम चालू होने वाला है, सबका एग्ज़ाम चालू होगा, एडमिट कार्ड प्रिंट हो रहा है, सब इसी को लेकर काम यहाँ पे मगध यूनिवर्सिटी में होली के दिन काम हो रहा है, समझे। तो मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कुछ कीजिए, बाकी थाम के रखिए दिल, बहुत जल्दी मगध यूनिवर्सिटी जो बेपटरी हो गया है पटरी पर आ जाएगा। हमारे भीसी साहब भी बोले थे कि रुकिए, काम को देखिए। तो होली का त्यौहार है और अभी के टाइम जो रंगों और प्यार का त्यौहार है, तो इसमें सब चीज़ भुला करके मगध यूनिवर्सिटी की जो पहले क्या था ये मैटर नहीं करता, अब नए सिरे से देखिएगा, बहुत ही कुछ अच्छा होने वाला है, समझे। तो आप सभी को वीडियो आज का ब्लॉग कैसा लगा, क्योंकि टहलते टहलते आप बना दिए तो देख लिए, दिख गए तो हम सोचे कि बना देते हैं। आप सबको, बहुत लोगों को यही होता है कि क्या यार होली के दिन कोई काम करता, तो देखिए काम होता है, समझे। आप आइए या ना आइए, हम तो घूमते रहते हैं, 4 बजे से 5 बजे से घूमना चालू करते हैं, एक दो राउंड घूम लेते हैं, उसका दिन उसी। तो आपको आज का वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट्स जरूर कीजिएगा, अच्छा लगा तो लोगों को शेयर जरूर कीजिएगा, और एक बार वीडियो को देखेगा तो दूसरी बार जरूर देखिएगा। और जो भी आपको कमेंट होता है, जो भी चीज़ चाहिए, मुझे कमेंट्स करिए ज़्यादा की मात्रा में, और लोगों को शेयर मत कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब मत कीजिए, चलेगा, बट इन्फॉर्मेशन सभी के पास जाना चाहिए। तो ठीक है, फिर मिलते हैं नए वीडियो में कुछ नए ऊर्जा एनर्जेटिक के साथ। बाय बाय, ठीक है। तो देख सकते हैं ये यहाँ पे सभी कर्मचारी लोग काम कर रहे हैं, आज 7 तारीख है, होली के दिन भी लोग यहाँ पे काम में जुटे हुए हैं, कर्मचारी लोग इतनी गाड़ी आ चुका है। तो आप इस चीज़ को समझ सकते हैं मगध यूनिवर्सिटी आपका किस ओर जाएगा, अब आसमान की ओर खिलेगा, मगध यूनिवर्सिटी के सभी चीज़ को खिलेंगे। यहाँ पे सब गाड़ी हुई, कर्मचारी भी हैं यहाँ पे, तो भी काम चलेगा, 8-9 बजे तक काम चलेगा, होली हो या दिवाली, किस कोई सा भी दिन हो मगध यूनिवर्सिटी में काम होगा, समझे। कोई छुट्टी नहीं, अब छात्रों का भविष्य उज्ज्वल होगा, मगध यूनिवर्सिटी के सभी छात्रों का भविष्य अब उज्ज्वल होगा। तो हम चलते हैं अपने हॉस्टल की ओर, क्योंकि बहुत घूम लिए हैं, और जैसा कि सभी चीज़ खुला हुआ है, अब बहुत जल्दी एडमिट कार्ड उडमिट कार्ड सब प्रिंट होगा, यहाँ पे सभी चीज़ें प्रिंट होगा, और बहुत कुछ पॉजिटिव होने वाला है यूनिवर्सिटी के साथ, यूनिवर्सिटी के हम छात्रों के साथ, और कुछ अब नया देखने को मिलेगा मगध यूनिवर्सिटी में। जो मगध यूनिवर्सिटी का गौरव था, पहले का गौरव और आने वाला समय का गौरव फिर से वापस होगा, समझे। बहुत लोग नेगेटिव रखे हैं दिल में, बाकी सभी चीज़ को पॉजिटिव वाइब के साथ चलिए, हर काम पॉजिटिव कीजिए, आपके साथ भी पॉजिटिव होगा, कुछ भी काम आप पॉजिटिव के साथ करते हैं तो सब चीज़ आप पॉजिटिव ही लेके चलिए, समझे। कोई भी मैं भाई वीडियो देख रहे हैं, आप एक चीज़ देखिए, सिंपल रखिए, कोई पॉजिटिव क्यों पॉजिटिव वर्ड बना है, पॉजिटिव वाइब्स क्यों ये बने हैं, हर काम को पॉजिटिव के साथ करना चाहिए। तो हम चलते हैं अपने हॉस्टल की ओर, क्योंकि हॉस्टल में ही आज होली के दिन भी है, 5-6 लोग हैं, और अच्छा लगता है, क्योंकि ये वातावरण बहुत अच्छा लगता है मुझे, और नहीं तो जाना पड़ता, जाते भी हर एक होली में जाते हैं। तो हम सोचे कि ये फर्स्ट टाइम अपने ब्लॉग के माध्यम से होली मगध यूनिवर्सिटी में मनाए तो कैसा रहता है। तो बेस्ट ऑफ लक,